नमस्कार, वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पर श्वेता है आपके साथ। किसी वक्त में दुनिया के नंबर एक तेज गेंदबाज रहने वाले दक्षिण अफ्रीकी क्रिकेटर लोनवाबो सोत्सोवे को मैच फिक्सिंग के आरोप में अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक क्रिकेट से 8 साल के लिए हाथ धोना पड़ गया। जी हाँ, लोनवाबो पर 8 साल के लिए प्रतिबंध लगा दिया गया है। लोनवाबो पर आरोप है कि उन्होंने साल 2015 में दक्षिण अफ्रीका के डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट रैम स्लैम में फिक्सिंग की है। गौरतलब है कि लोनवाबो सोत्सोवे दक्षिण अफ्रीका के 7वें ऐसे खिलाड़ी है जिस पर दक्षिण अफ्रीका की एंटी करप्शन यूनिट ने ऐसी कार्रवाई की है। इसी साल अप्रैल में क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने सोत्सोवे पर मैच फिक्सिंग का आरोप लगाकर उन्हें हर तरह के क्रिकेट से दूर कर दिया है। वहीं अगर बात करें लोनवाबो सोत्सोवे की, तो उन्होंने अपने ऊपर लगे मैच फिक्सिंग के आरोप को स्वीकार कर लिया है। सोत्सोवे पर साल 2015 में हुए मैच की फिक्सिंग में शामिल होने का एक चार्ज सीएसए के एंटी करप्शन अधिकारियों के सामने जानकारियां छुपाने को लेकर उन पर 2 चार्जेस लगाए गए हैं। इसके साथ ही उन पर भ्रष्टाचार, अधिकारियों के साथ जांच में सहयोग ना करना, सबूतों को छुपाने जैसे कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं, जिसे लेकर क्रिकेट साउथ अफ्रीका ने उन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें 8 साल के लिए हर तरह के अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने पर बैन लगा दिया है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश, दुनिया, राजनीति, रोमांस, सब की खबरें मिलेंगी यहाँ। आप हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। वन इंडिया हिंदी यूट्यूब चैनल।